बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स के आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स फर्स्ट लेयर विच इज फिजिकल लेयर। अपनी प्रीवियस लेयर के बारे में हम थ्रू आउट द कोर्स पढ़ते आए हैं। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन लेयर को इनडेप्थ स्टडी किया, फिर हमने ट्रांसपोर्ट लेयर को इनडेप्थ स्टडी किया, फिर हमने नेटवर्क लेयर को इनडेप्थ स्टडी किया, फिर हम लास्ट अपने वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं अबाउट डेटा लिंक लेयर की, डेटा लिंक लेयर की सर्विसेज क्या होती हैं, रिस्पांसिबिलिटी क्या है उसकी, इम्प्लीमेंटेड कहाँ होती है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये सारी चीज़ हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज के जो हमारे वीडियो लेक्चर है इट मेनली फोकस ऑन द फिजिकल लेयर, कि फिजिकल लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वहाँ पे क्या टेक्निक्स इंप्लीमेंट होती हैं ताकि आपका डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड ट्रेवल किया करवाया जा सके। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे फ्रॉम अ बुक ऑफ बेरोज ए फ्रोजन नेम्ड एज डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अपना बाकी जितना भी हमने मटेरियल कोर्स का कवर किया है वो हमने डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क अ टॉप डाउन अप्रोच बाय क्यूरॉस एंड रॉस से हमने कवर किया। ठीक है, डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हम डेटा लिंक लेयर से जो आपका डेटा आता है उसको फिजिकल लेयर बेसिकली क्या करती है कि आपका जो डेटा आ रहा है जाहिर सी बात है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसे इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। तो वो जो सीक्वेंस ऑफ बिट्स आएगा उसको बेसिकली फिजिकल लेयर ने इस ट्रांसमिशन मीडियम पे इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल ट्रेवल करवाना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म में इसको ट्रेवल करवाना है ताकि ये ट्रांसमिशन मीडियम से होता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचे और फिर डेस्टिनेशन उसको डिकोड करके डेटा लिंक लेयर को प्रोवाइड करेगी, डेटा लिंक लेयर उसको नेटवर्क लेयर को, नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर फर्दर उसे एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड करेगी। सो टू बी ट्रांसमिटेड डेटा मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर। सिग्नल, अब जब हम कह रहे हैं कि डेटा ने सिग्नल की फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की जिन्हें जिसको हम कह रहे हैं उस फॉर्म में ट्रांसफर होना है, तो बेसिकली सिग्नल का मतलब क्या होता है, कितने टाइप के सिग्नल हो सकते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। सिग्नल बेसिकली क्या है, आपके डेटा की रिप्रेजेंटेशन है एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या ऑप्टिकल फॉर्म में, ठीक है, ताकि वो मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट किया जा सके। अब वो रिप्रेजेंटेशन एनालॉग रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। एनालॉग का मतलब क्या है, बेसिकली कि आपका जो सिग्नल है वो कंटिन्यूअस इनफाइनाइट नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अगर यहाँ पे आप बात करें तो ओवर द टाइम एक्सिस आपका जो ये सिग्नल है ये छोटे छोटे से नंबर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, तो ये छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिनसे मिलके ये कंटिन्यूअस लाइन बनी हुई है। ठीक है, अगर दरमियान में कहीं भी एक नंबर छूट जाता तो ये लाइन कंटिन्यूअस नहीं रहती। ठीक, तो एनालॉग सिग्नल क्या है, हैज कंटिन्यूअस इनफाइनाइट नंबर वैल्यूज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट डिजिटल सिग्नल में क्या है कि आपकी कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं है बल्कि आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो वन के लिए हमने ये सिग्नल रखा हुआ है, ठीक है, अपर वैल्यू, और जीरो के लिए हमने लोअर वैल्यू रखी हुई है। तो दिस इज अ डिस्क्रीट सेट जो कि आपके डेटा को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, वन एंड जीरो। तो जब आप अपने डेटा को किसी डिस्क्रीट या लिमिटेड नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा डिजिटल सिग्नल है। फिर बात आती है कि एक सिग्नल पीरियोडिक है या ए पीरियोडिक है, किस तरह से पता चलेगा। जैसे नाम से पता चल रहा है, एक पीरियोडिक सिग्नल वो होगा जो कि अपने आप को एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, पीरियड क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम। लेट्स सपोज हम कहते हैं 2 सेकंड्स के बाद एक सिग्नल रिपीट हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे ये पीरियोडिक सिग्नल है। अब सिग्नल रेपिटेशन की बात जब हम करते हैं तो वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा एक सिग्नल है ये, ठीक, तो ये सिग्नल अगर हम लेट्स सपोज कहते हैं ये 1 सेकंड था, ठीक है, 1 सेकंड के बाद अगर ये सिग्नल दोबारा से इसी फॉर्म में रिपीट हो सेम एट्रीब्यूट तो हम कहेंगे ये हमारा एक पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, लेकिन अगर लेट्स सपोज इसके बाद ये सिग्नल अपनी फॉर्म जो है वो चेंज कर लेता है तो हम कहेंगे ये हमारा एपीरियोडिक सिग्नल है। ठीक, ये सिग्नल अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट नहीं करता, इसलिए हम इसे कहेंगे ये हमारा एपीरियोडिक सिग्नल है। बिट रेट क्या है, नंबर ऑफ बिट ट्रांसफरिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन 1 सेकंड। ठीक है, सो बिट रेट इज नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड पर सेकंड, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स इट इज एक्सप्रेस एज बिट्स पर सेकंड। अपने पहले चैप्टर के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं जिसमें हम कैपेसिटी को, लिंक की कैपेसिटी को या बिट रेट को मैयर करते हैं इन बिट्स पर सेकंड और बीपीएस में। ठीक है, अच्छा,
अब हमारे पास अगर हम सिग्नल्स में जो हमारा डेटा है बेसिकली डिजिटल डेटा है, अगर हम इसको सिग्नल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्नल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली क्या मतलब है, टू डिजिटल सिग्नल्स, वन विद टू सिग्नल लेवल्स एंड द अदर विद फोर सिग्नल लेवल्स। लेट्स सपोज हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा ऐसा सिग्नल है जिसमें हमने दो लेवल्स अपने डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है या सिग्नल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक लेवल वन है एक लेवल टू है, कुछ डेटा हमारा लेवल वन पे है और कुछ लेवल टू पे हमारा डेटा प्लेस हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हर लेवल पे वन बिट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो आठ, जब ये एट बिट्स ट्रेवल करेंगी वन सेकेंड के अंदर, ठीक है, अगर आप काउंट करो तो ये एट बिट्स हैं इन वन सेकेंड, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, एट बिट्स पर सेकेंड, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम लेवल्स बढ़ा देते हैं, वन टू थ्री फोर लेवल्स हमने कर दिए, और हर लेवल आपका कितनी बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो बिट्स को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। सो हर लेवल पे जब दो बिट्स ट्रांसफर हो रही है तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एक सेकेंड के अंदर आपकी 16 बिट्स ट्रेवल होंगी, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ब्लॉक है और हर ब्लॉक के ऊपर आपकी दो बिट्स ट्रेवल कर रही है, सो एट इंटू टू 16। तो आपका ओवरऑल जो डेटा है, बिट रेट है डेटा का या कैपेसिटी है, वो बढ़ गई है और इट इज 16 बिट्स पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाते हैं, आपकी जो डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी है विच इज बिट रेट, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन ये किया गया कि आपका एक डिजिटल सिग्नल है जिसके एट लेवल्स हैं, आपने बताना ये है कि कितनी बिट्स पर लेवल ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉग टू ऑफ लेवल जितना भी आपको दिया हुआ होगा। अब लेवल हमें कितने दिए हुए, एट, तो हमने यहाँ पे 8 प्लेस कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हर जो लेवल है वो 3 बिट्स को ट्रेवल करवा रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पे भी हमारी 101 3 बिट्स जा रही हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारी 3 बिट्स जा रही होंगी, ठीक है। आगे भी हमारी हर लेवल पे 3 बिट्स जा रही हैं, तो अगर मैं कहूँ कि एक सेकेंड में कितनी बिट्स जा रही हैं, तो 3 × 8 24 बिट्स पर सेकेंड हमारे पास जो है वो बिट रेट आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास आता है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, ठीक है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट वो है कि जो आपके ओवर ट्रांसमिशन, जो खराबी आएगी आपके सिग्नल के अंदर या जो चेंज आएगा आपके सिग्नल के अंदर, वो क्या है और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। परफेक्ट ट्रांसमिशन मीडियम डज नॉट इम्पीड प्रोपगेशन इन एनी वे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो परफेक्ट ट्रांसमिशन मीडियम है वो आपकी प्रोपगेशन को बिल्कुल किसी तरीके से हिंडर नहीं करेगी, ठीक है। हिंडर का मतलब है कि कोई इफेक्ट उस पर नहीं आएगा, लेकिन हमारी रियल लाइफ में ऐसा परफेक्ट मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारा जो रियल लाइफ का मीडियम है उसके अंदर इम्परफेक्शन मौजूद है, उसके अंदर हमारे पास इम्परफेक्शन कॉज करती हैं इम्पेयरमेंट, ठीक है। खराबियां आपके जो सिग्नल है उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं इन इम्परफेक्शन की वजह से। एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ रिजल्ट, आपके पास क्या होता है, जो रिसीव सिग्नल है और जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होता है वो सेम नहीं रहता, बल्कि जो आपको ट्रांसमिट किया गया सिग्नल होता है वो कम्प्लीटली रिसीवर पे रिसीव नहीं होता। सो इम्पेयरमेंट के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कि आपका सिग्नल अटेनुएट हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाए, या उसमें नॉइस इंक्लूड हो जाए, ठीक है। ये तीन उसके कॉजेज है। अटेनुएशन बेसिकली क्या है, कि आपके सिग्नल की एनर्जी ओवर द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम कम होती जाती है, ठीक है। सिग्नल अपनी एनर्जी लूज करता है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि एक वेव ट्रेवल कर रही है एटमोसफेयर से, सो ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द एयर आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। जैसे कि ये ओरिजिनल सिग्नल था, ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमिट होते होते ये अटेनुएट हो गया है और इसकी जो सिग्नल पावर है वो लो हो गई है, ठीक। तो आप रस्ते में एम्पलीफायर लगाते हैं, विच इज अ सर्किट्री, जो कि आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है अपने ओरिजिनल जो उसकी वैल्यूज होती हैं उन पे, ठीक है, ताकि वो ओवर दी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। फिर हम देखते हैं कि डिस्टॉर्शन क्या है। बेसिकली डिस्टॉर्शन क्या है, कि आपका सिग्नल अपनी ओरिजिनल जो शेप है या फॉर्म है उसको छोड़ देता है और किसी और सिग्नल की फॉर्म को उसकी अपीयरेंस ले लेता है। जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा एक कंपोजिट सिग्नल है, कंपोजिट सिग्नल इज अ सिग्नल दैट इज कंपोज ऑफ मैनी मोर सिग्नल। तो हमारे सिग्नल जो हैं, ये इन जो तीन सिग्नल, ये कंपोजिट सिग्नल इन तीन सिग्नल से मिलके बना हुआ है, ठीक। तो अगर हम देखें तो हमारे ये जो कंपोजिट सिग्नल कंपोनेंट सिग्नल से वो आउट ऑफ फेज हो गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल जो है, ये वाला सिग्नल और ये सिग्नल इन फेज है, बट ये सिग्नल और ये सिग्नल अगर आप देखें तो ये आउट ऑफ फेज हो गया। ये सिग्नल स्टार्ट हो रहा है जीरो से और ये सिग्नल हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 90 से,
तो अब क्या होगा, बेसिकली आपका जो सिग्नल है वो चूंकि आउट ऑफ फेज हो गया है, तो जब ये कंपोजिट होंगे तीनों सिग्नल, तो आपकी जो सिग्नल की शेप है वो ये रिस्टोर होगी, जबकि ओरिजिनल शेप क्या थी, ये। तो इसका मतलब है कि रस्ते में आपके जो सिग्नल हैं वो डिस्टॉर्ट हो गए, दे लूज देयर शेप, एंड एज अ रिजल्ट जो आपका कंपोजिट सिग्नल है वो अपनी शेप चेंज कर चुका है। नॉइज क्या है, बेसिकली जब आपके जो ओरिजिनल सिग्नल है उसके अंदर अनवांटेड वॉइस ऐड हो जाती है, तो अनवांटेड सिग्नल ऐड हो जाते हैं तो हम कहते हैं हमारी सिग्नल के अंदर नॉइस ऐड हो गई है। इट कुड बी ड्यू टू थर्मल नॉइस, इट कुड बी थर्मल नॉइस, इट इज इंड्यूस्ड नॉइस और इम्पल्स और क्रॉस टॉक। जब आप फोन पे बात कर रहे होते हैं तो अक्सर बात जो है वो दो लाइनों की बात जो है वो मिक्स हो जाती है, तो हम कहते हैं नॉइस आ रही है, ठीक है, इट इज एक्चुअली क्रॉस टॉक। अच्छा, अब ये जो आपकी नॉइस है इसको मैयर कैसे करते हैं, हम एस एन आर विच इज अ रेशियो, बेसिकली सिग्नल टू नॉइस रेशियो, उसके थ्रू हम नॉइस को मैयर कर सकते हैं, ठीक है। एस एन आर बेसिकली क्या है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, कि आपकी एवरेज सिग्नल की पावर कितनी थी और उसके अंदर जो एवरेज नॉइस की पावर है, जब आप इनकी रेशियो लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके सिग्नल के अंदर कितनी नॉइस इंपीड हो गई है, ठीक है, कितनी नॉइस आपके सिग्नल के अंदर इम्बेड हो गई है हम कह सकते हैं, ठीक है। एस एन आर हमेशा हम मैयर करते हैं डीबीज में, ठीक। एस एन आर कैलकुलेट होती है 10 लॉग 2 ऑफ एस एन आर से, ठीक है। जब आपने डीबीज में कैलकुलेट करनी है तो एस एन आर कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ आपने 10 लॉग 10 को मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर आप इस फॉर्मूला को गौर से देखें तो आपकी जो एवरेज नॉइस पावर है इट इज डिवाइजर ऑफ, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है आपकी एवरेज सिग्नल पावर को। तो अगर आपने कोई भी चीज, जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं, लेट सपोज मैं कहती हूँ 8/100, ठीक है, और दूसरी वैल्यू मैं कहती हूँ कि मेरे पास है 8/1, ठीक। तो अब क्या आएगा मेरे पास, जब मैं 8 को 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 8, जब मैं 8 को 100 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0.008, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेरे पास जब नॉइस ज्यादा थी तो एस एन आर की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास कम आ रही है, ठीक है, और जब मेरे पास नॉइस ज्यादा थी, सॉरी नॉइस कम थी, तो एस एन आर की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एस एन आर, आपने डिवाइड किया दोनों को और आपके पास एस एन आर की वैल्यू ज्यादा आ जाती है, ये वाला केस है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके सिग्नल के अंदर नॉइस कम थी, ठीक है, सिग्नल इज लेस करप्टेड बाय द नॉइस, ठीक। और अगर आपके पास एस एन आर की वैल्यू पॉइंट्स में आ जाती है, बहुत छोटी वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सिग्नल है इट इज मोर करप्टेड टू नॉइस, दिस सिग्नल हैज मोर नॉइस इन इट, ठीक। डेटा रेट को अगर लिमिट करना हो तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लिमिट करते हैं, और किस तरह से, इन अदर सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि डेटा रेट को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। सो हाउ फास्ट डेटा कैन बी सेंड, इट डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, नंबर 1 बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, सो डेटा रेट को लिमिट करती है एक बैंडविड्थ, एक नंबर ऑफ लेवल्स जो आपके एक सिग्नल के ऊपर ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, दूसरा आपके चैनल की जो नॉइस होती है वो, ठीक। तो अगर आप अपनी बैंडविड्थ को, सॉरी डेटा रेट को इंप्रूव करना चाह रहे हो तो यू शुड इंक्रीज योर बैंडविड्थ, यू शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ लेवल्स इन अ सिग्नल, ठीक है, और आपको नॉइस को कम करना पड़ेगा अपने चैनल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इन 3 फैक्टर्स की वजह से आपका डेटा रेट इंप्रूव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रियल लाइफ के अंदर हम देखें तो हमारे पास 2 तरह के चैनल है, एक नॉइजी चैनल है और एक हमारे पास है नॉइसलेस चैनल, ठीक है। नॉइसलेस चैनल ऐसा होगा जिसके अंदर नॉइस नहीं होगी, विच इज एक्चुअली थ्योरेटिकल कंडीशन, ठीक है, नॉइजी चैनल ही एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में, लेकिन नॉइसलेस चैनल के लिए आप निकोजेट थ्योरम को यूज करते हैं और नॉइजी चैनल के लिए हम शैनन कैपेसिटी को यूज करते हैं। इन केस ऑफ नॉइसलेस चैनल द मैक्सिमम बिट रेट इज गिवन बाय द निकोजेट बिट रेट व्हिच इज 2 × bandwidth × log 2 ऑफ एल, ठीक है, एल इज बेसिकली द लेवल ऑफ द सिग्नल। शैनन कैपेसिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटी और मैक्सिमम बिट रेट इज इक्वल टू बैंडविड्थ इंटू लॉग टू 1 + SNR। SNR कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला पता है, एवरेज सिग्नल पावर ओवर एवरेज सिग्नल नॉइज, ठीक। लेट्स सपोज हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक एक्सट्रीमली नॉइजी चैनल है इन विच द SNR वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो, इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। अब यहाँ से एक बात आपको पहले समझ आ जानी चाहिए कि अगर आपके पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑलरेडी जीरो है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज वेरी लो, तो आपका ये चैनल जो है इसके अंदर नॉइज इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपका जो चैनल कैपेसिटी है या आपका जो बिट रेट है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
In other words, the noise is so strong that the signal is faint. For this channel, you have to calculate the capacity. So capacity हम कैसे calculate करते हैं? B into B हमें given नहीं है, तो B को as it is हम as a variable ही रखेंगे. Log 2 1 plus SNR. ठीक है, SNR की value थी 0. जब log 2 of 1 आप calculate करेंगे, तो it is 0. So anything multiplied by 0 is 0. So capacity of this channel is 0. That means the capacity of this channel is 0 regardless of the bandwidth. अगर इसकी bandwidth कुछ भी होगी, तो इसमें नॉइस ही इतनी है कि आपका जो कैपेसिटी है चैनल की वो जीरो हो जाएगी. सो यू कैन नॉट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम दिस चैनल. ठीक है, दूसरा एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हमें थ्योरेटिकल हाईएस्ट बिट रेट कैलकुलेट करनी है. ठीक है, द टेलीफोन लाइन नॉर्मली हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 3000. ठीक है, 3000 हमें बैंडविड्थ गिवन है, दैट मीन दिस इज बी. Signal to noise ratio, ratio is SNR, which is 3162. For this channel, you have to calculate the capacity according to Shannon's theorem. Okay, Shannon's capacity theorem. So C is equal to B into log 2 1 plus SNR. SNR ki value given hai 1 plus karein usme, uske baad uska log lein aur multiply by 300 karein, to aapke paas aa jayega 34860 BPS. This is basically 34.860 kilobits per second. ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो हाईएस्ट बिट रेट जो आप अचीव करेंगे एक टेलीफोन लाइन पे, दैट वुड बी 34.86 केबी पर सेकेंड. ठीक है, इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस बिट रेट, सो यू हैव टू इधर इंक्रीज द बैंडविड्थ और यू हैव टू रिड्यूस द सिग्नल टू नॉइस रेशियो. राइट, दीज टू आर द केसेस. अब आते हैं कि डेटा इनकोडिंग क्या है. डेटा इनकोडिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप डेटा को कन्वर्ट करते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, जैसे कि हमारे पास डेटा जो है वो बिट्स की फॉर्म में है, उस डेटा को हम अगर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दिस इज बेसिकली डेटा इनकोडिंग. ठीक है, सो डेटा इनकोडिंग बेसिकली यही है कि आप सिग्नल की फॉर्म डेटा की फॉर्म चेंज कर देते हैं फ्रॉम इट कुड बी फ्रॉम डिजिटल सिग्नल टू द बिट्स और फ्रॉम बिट टू द डिजिटल सिग्नल. ठीक है, कुछ भी हो सकता है डेटा इनकोडिंग के अंदर. डेटा इनकोडिंग की जो हमारे पास स्कीम्स हैं, उनमें हम डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन भी कर सकते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी कर सकते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी कर सकते हैं, एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन भी कर सकते हैं. डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि हम पढ़ेंगे. उनमें से एक प्रोसेस है हमारे पास लाइन कोडिंग का. लाइन कोडिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, data stored in the computer is of binary format. We already discussed it from very basic level of computer science ki hamara data jo hai computer understand karta hai in the form of zeros and one, that is binary. So line coding jo hai wo kya ek aisi scheme hai jo ki aapki bits ko, theek hai, sequence of bits ko digital signal mein convert kar deti hai. Jo sender hai wo kya karta hai, digital data ko encode karta hai ek digital signal pe, aur receiver kya karta hai, us digital signal ko रिसीव करके डिकोड करता है इनटू डिजिटल डेटा. ठीक है, बेसिकली सेंडर क्या करेगा, डिजिटल डेटा रिसीव करेगा, इनकोडर से इसको कन्वर्ट करेगा इनटू डिजिटल सिग्नल, डिकोडर इस डिजिटल सिग्नल को रिसीव करेगा और डिकोड करेगा इनटू इट्स ओरिजिनल शेप विच इज डिजिटल डेटा. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो हमारा जो सिग्नल होता है उसमें दो चीजें होती है, एक कहलाता है डेटा एलिमेंट, दूसरा कहलाता है सिग्नल एलिमेंट. डेटा एलिमेंट क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट दैट रिप्रेजेंट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज द बिट. ठीक, और सिग्नल एलिमेंट क्या है? बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डिजिटल सिग्नल दैट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो इनकी अगर आप रेशियो की बात करें तो नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट कैरीड बाय ईच सिग्नल एलिमेंट इज द रेशियो. ठीक है, सो डेटा एलिमेंट ओवर सिग्नल एलिमेंट अगर आप करेंगे तो ये आपके पास रेशियो आ जाएगी. लेट्स सपोज हम देखते हैं कि सिग्नल एलिमेंट वर्सेस डेटा एलिमेंट कैसे हम समझेंगे. अगर पहले आप सिग्नल को देखें तो आपके पास एक सिग्नल एलिमेंट सिर्फ एक बिट को कैरी करके लेके जा रहा है, जिसका मतलब है आपकी जो रेशियो है वो क्या है, वन सिग्नल वन डेटा एलिमेंट ओवर वन सिग्नल एलिमेंट, दैट इज आर इज वन बाय वन विच इज वन. ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो एक बिट है, ठीक है, वो कितने डेटा एलिमेंट्स पे कितने सिग्नल एलिमेंट्स पे जा रहा है, वो दो सिग्नल एलिमेंट्स पे जा रहा है. ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेटा एलिमेंट वन है और उसे कैरी करने वाले कितने सिग्नल सिग्नल एलिमेंट्स हैं, दो, तो हमारे पास वन बाय टू इसकी रेशियो आ जाएगी. अगर यहाँ पे हम देखें तो दो डेटा एलिमेंट्स को कौन कैरी कर रहा है, एक सिग्नल एलिमेंट. ठीक, सो टू बाय वन विच इज एक्चुअली टू.
ठीक। और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास फोर डेटा एलिमेंट्स जा रहे हैं तीन सिग्नल लेवल से, सिग्नल एलिमेंट से, तो रेशियो क्या बन जाएगी 4/3। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अगर हम देखें सिग्नल की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिकली डेटा रेट कहलाता है आपका बिट रेट, विच वी ऑलरेडी डिस्कस, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स इन 1 सेकंड इज एक्चुअली नोन एज डेटा रेट। बॉड रेट क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स इन 1 सेकंड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास सिग्नल की। तो सिग्नल जब आप सेंड करते हैं तो सिग्नल की सेंडिंग जो स्पीड है और रिसीविंग जो रिसीवर की रिसीविंग स्पीड है वो सिंक होनी चाहिए आपस में, वरना क्या होगा आपका सिग्नल आउट ऑफ फेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका सिग्नल है वो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा। सो एक्चुअली आउट ऑफ फेज की जब हम बात करते हैं तो हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं, यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो हम लेवल्स की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास टू करेक्टली इंटरप्रेट द सिग्नल रिसीव फ्रॉम द सेंडर द रिसीवर बिट इंटरवल मस्ट बी एग्जैक्टली टू दी सेंडर बिट इंटरवल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो सेंडर का बिट इंटरवल है वो 1 बिट पे, जबकि हमारे पास यहाँ पे देखें तो आपका रिसीवर का बिट इंटरवल जो है वो पहले ही खत्म हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा आपकी बिट जो है वो जब पूरा इसका एक इंटरवल कंप्लीट हुआ तो इसने क्या समझा कि हमारे पास वो 1 बिट 2 दफा आई है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास जो बिट्स हैं वो मिस इंटरप्रेट होती जाएंगी और एज अ रिजल्ट आपका जो सिग्नल है वो नहीं इंटरप्रेट हो सकेगा जो सेंड किया गया। ठीक है, इफ द रिसीवर क्लॉक इज फास्टर और स्लोअर द बिट इंटरवल विल मिस मैच एंड द रिसीवर माइट मिस इंटरप्रेट द सिग्नल। ठीक है, सो ये है हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन की इंपॉर्टेंस। तो ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द सिग्नल। अगले जो हमारा अगला लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे लाइन इनकोडिंग स्कीम। लाइन इनकोडिंग क्या है, बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल। तो हम देखेंगे क्या टेक्निक्स है हमारे पास लाइन इनकोडिंग की जिसके थ्रू हम डिजिटल डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गया होगा।